प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पाठ्यक्रम को जाना, उनको समझा। अब हम कबीर के बारे में समझते हैं और उनके दोहों के बारे में जान लेते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में अग्रणी कबीर विचारक कवि माने जाते हैं। यह एक दार्शनिक है और हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने सारे जीवन में बाह्य आडंबरों का खंडन किया, उनके विरोध में इन्होंने अपने दोहे कहे और अंधविश्वास, कुरीतियां, समाज में व्याप्त बुरी बातें जो थी उनके विरोध में इन्होंने अपनी आवाज उठाई। कबीर दास के जन्म के बारे में सही तरह से किसे भी नहीं पता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म 1398 में हुआ था और वे अनपढ़ थे, वो किसी विद्यालय में नहीं गए थे, लेकिन समाज में अपने समाज में व्याप्त ऐसी चीजों को देखकर आत्म अनुभूति से वो अपनी बातें कहते थे और आत्म अनुभूति का के द्वारा, लोक व्यवहार के द्वारा और जो समाज में देख रहे हैं उनको ही अपने शब्दों में बोलते थे। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो निरक्षर थे, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। उनके गुरु का नाम है रामानंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के महान लेखक है, उन्होंने कबीर के बारे में एक बात कही और उनको एक उपाधि दी। उन्होंने उनको वाणी का डिक्टेटर कहा। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि इनके अनेक भाषाओं का ज्ञान था, अनेक भाषाओं के शब्दों का उन्होंने अपने दोहों में प्रयोग किया है। अलग जैसे फारसी, उर्दू, अवधी, ब्रज, सभी शब्दों का मिश्रण इनकी इनके दोहों में हमें दिखाई देते हैं। कबीर की मृत्यु 1518 में हुई, मगहर में हुई थी। अब इनका हम साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। इनके काव्य, ये इनके जो दोहे थे, आत्मानुभूति से परिपूर्ण थे। इनके दोहों में जनता को, लोगों को संदेश देने की प्रवृत्ति की थी। इनके दोहों का संकलन, क्यों, ये जो भी बोलते थे इनके शिष्य उसको लेखनीबद्ध कर देते थे, लिख देते थे, और इस प्रकार उनका एक ग्रंथ हमें मिलता है जिसका नाम है बीजक। बीजक को तीन भागों में विभाजित किया गया है, काकी, सबद और रमेणी। यह एक कालजयी रचना है। कालजयी जो हमेशा हर समाज में सार्थकता प्रदान करे, उसे कालजयी, मतलब एक समय के लिए नहीं। उन्होंने 400 साल पहले दोहे लिखे थे, लेकिन आज भी हमारे समाज में इनके दोहों की सार्थकता ऐसी बनी हुई है, जो अमर हो जाती है उसे कालजयी रचना कहा जाता है। कबीर की भाषा कौन सी थी? सधुकड़ी, खिचड़ी या पंचमेकी। मतलब इनके दोहों में सभी बहुत सारी भाषाओं का भाषाओं के शब्द हमें मिलते हैं, इसीलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब हम दोहों का परिचय जान लेते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस दोहों के बारे में हम समझने जा रहे हैं, उनमें क्या है, क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो सतगुरु की महिमा। सतगुरु मतलब सच्चा गुरु, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, ऐसे गुरु के बारे में बताया गया है। सत्य के मार्ग पर चलने के बारे में बताया गया है। सज्जन के गुण, अहंकार का त्याग और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के दोहे हमें बताए गए हैं। तो आज हम जान लेते हैं दोहों का भाव, दोहों के बारे में हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम दोहा समझाते हैं। पहला दोहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय गुरु आप। अब हम शब्दार्थ को समझ लेते हैं। सांच बराबर, सांच मतलब क्या है, सच के समान, बराबर समान। तप नहीं, तपस्या। झूठ बराबर, झूठ के समान। पाप, पाप मतलब बुरी बातें, बुरा कार्य। जाके, जिसके, हृदय, हृदय में, मन में।
दा हृदय, उसके मन में, उसके मन में। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि कच्छ के समान कोई तपस्या ने, तपस्या का अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम करना, तपस्या का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। तो सच के समान तपस्या नहीं है और झूठ सबसे बड़ा पाप है, झूठ बोलना सबसे बुरी बात है। जिस मनुष्य के मन में सत्य होता है, जो सत्य का आचरण करता है, उसके मन में ईश्वर का वास होता है। ऐसे मनुष्य के मन में कौन रहते हैं, स्वयं ईश्वर रहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना, घट घट में, कण कण में ईश्वर का वास होता है। तो और सभी लोगों का आशीर्वाद भी किसके ऊपर रहता है, जो हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के राह पर जो चलते हैं, उनके वो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है, झूठ बोलना। तो अच्छे आचरण की शिक्षा दी गई है। इस दोहे की विशेषता क्या है, सत्य के मार्ग पर चलना, हमेशा सत्य बोलना और झूठ का त्याग करना, क्योंकि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। तो मनुष्य का आचरण हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से भरा होना चाहिए, इस बात का संदेश इस दोहे में दिया गया है। अब हम दूसरा दोहा देख लेते हैं। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के सब मुख बाहर खोल। इस दोहे के कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। बोली, वाणी, भाषा, मधुर बोलना, मृदुभाषी, अनमोल, कीमती, मूल्यवान, जाने, जानकर, सोच समझकर, बोल, बोलना में बोलना, ये मन में, तराजू तोलने का साधन, और बोली है तोली है तोलकर, आनी आने देना। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, अनमोल होनी चाहिए। मनुष्य का मनुष्य की बोली कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, मृदु भाषी होनी चाहिए। अगर हम अच्छे मधुरता से बात करेंगे तो क्या होगा, सभी हमें पसंद करेंगे, सभी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, सभी हमारी इज्जत करेंगे। इसीलिए हमें अपना मुख खोलने से पहले, बात करने से पहले क्या करना है, अपने मन के तराजू में, हृदय के तराजू में तोल मोल के बोलना है। कि पहले किसी से जो हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए और मधुरता के साथ मृदु वाणी में बात करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर आप कर्कश आवाज में, कर्कश वाणी में किसी से बात करेंगे तो सामने वाला दुखी भी हो सकता है, वो हर्ट भी हो सकता है और उसका हृदय आघात भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारे रिश्ते मधुर नहीं बन सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब भी मुंह खोलना है तो अपने हृदय में सोच समझ कर बोलने की बात बता रहे हैं। तो इस दोहे की विशेषता क्या है, सोच समझ कर बोलने का संदेश दिया गया है। किसी से बात करते वक्त अनमोल, क्यों बोलते, वाणी कैसी है, अमूल्य है, अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। एक बार हमारे मुख से जो शब्द निकल गए, हम उसको वापस नहीं ले सकेंगे। इसीलिए बात करने से पहले सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अब हम अगला दोहा देख ले। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। दया, कृपा करना, रहम करना, तहां वहां, लोभ लालच, पाप बुरे काम, क्रोध गुस्सा, काल मृत्यु या विनाश, आप ईश्वर या भगवान या गुरु। यहां पर दो अर्थों में ले सकते हैं, ईश्वर के रूप में भी और गुरु के रूप में भी। तो अब हम देखते हैं कि इस दोहे में कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर कहते हैं, जहां दया है वहां धर्म होता है। धर्म का यहाँ तात्पर्य क्या है, रिलीजियन से नहीं है, किसी एक धर्म विशेष से नहीं है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अच्छी बातों को धारण करना।
पद्धति से, एक शैली से अपने जीवन का निर्वाह करना धर्म कहलाता है। तो जहाँ जिस मनुष्य के हृदय में दया का भाव होता है, वहीं पर धर्म वास करता है। और जहाँ लालच होता है, लोभ आ जाता है किसी मनुष्य के हृदय में, वहां पाप प्रारंभ हो जाता है। जहाँ क्रोध है वहां काल है, अर्थात विनाश होता है। जहाँ अगर हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो क्या होगा? हमारा विनाश होगा। क्रोध से क्या होता है? क्रोध हमारा ही सबसे बड़ा शत्रु है। इससे क्या होते हैं? रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसीलिए क्रोध को त्यागना है, क्योंकि क्रोध बुरा समय भी ला सकता है हमारे जीवन में। हमारा नाश करने के लिए भी क्रोध बहुत हमारे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का निवास होता है। और जहां पर क्षमा की भावना है, सहनशीलता की भावना है, वहां पर ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर अपने आप ही हमें आशीर्वाद देते हैं, और गुरु का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहता है। क्योंकि मनुष्य में कौन से गुण होने चाहिए? दया के गुण, क्षमा के गुण, ऐसे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। और लालच और क्रोध हमारा विनाश कर सकते हैं। और लालच से पाप बढ़ता है, क्रोध से हमारा विनाश होता है। तो इस दोहे के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं कवि? क्षमाशील बनिए, दयावान बनिए, ऐसी बातों को इस दोहे के द्वारा कवि ने हमें समझाया है। अब हम अगला दोहा देख लेते हैं। अब अगला दोहा हम समझ लेते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। इस दोहे के पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। सतगुरु, सच्चा गुरु। महिमा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु, सच्चा गुरु। महिमा, महानता, महत्व, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, बहुत ज्यादा। और उपकार, भलाई, लोचन, आंखें, चक्षु, उघारिया, खोल देना, दिखावन हार, दिखाने वाला। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु की महिमा बता रहे हैं। गुरु, सतगुरु की महिमा, महानता, इस दोहे के द्वारा हमारे सामने कबीर बता रहे हैं। गुरु की महिमा कैसी है? अपार है, अनंत है, सीमा रहित है। हम उनका वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकते। उनकी महिमा अनंत है, बहुत महान है। उनकी हम पर अनंत कृपा है। गुरु की कृपा हमारे ऊपर है, होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के नेत्र, ज्ञान की आंखें खोल देते हैं, और हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो हमें सत्मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलने का संदेश देते हैं, जिसके द्वारा हम उस अनंत के भी दर्शन कर सकते हैं। गुरु हमें ईश्वर का रास्ता बताते हैं। ईश्वर का यहाँ पर अर्थ क्या है? अच्छी चीजें, अच्छी बातों का हमें ज्ञान प्रदान करते हैं गुरु। इस दोहे के संदर्भ में एक मैं दोहा कहना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। आपके इस पाठ्यक्रम में ये दोहा नहीं है, लेकिन ये संदर्भ से मेल खाता है, इसलिए मैं ये दोहा बता रही हूँ। गुरु ने भी, कबीर ने भी गुरु की महानता के बारे में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े। अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु दोनों भी आ जाए, तो सबसे पहले हमें किसके पांव छूना है, किसको प्रणाम करना है? गुरु को। क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर के तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। इसलिए गुरु की महानता बहुत ही अपरंपार है, महिमा महान है। इनका हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। सद्गुरु हमें सतमार्ग पर चलने की राह बताते हैं, और हमारे ज्ञान के नेत्र खोल देते हैं। तो इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अब हम अगला दोहा देखते हैं। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुड़े सौ बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एके धका दरार। सोना, स्वर्ण, सज्जन, सच्चे मनुष्य, टूटी, टूट कर दूर होकर टूटे, जुड़ना, दुर्जन, बुरे मनुष्य, कुंभ, मिट्टी का घड़ा, एके, इसको धक्का, ठोकर मारना, दरार, तड़कना।
फैक्ट आ जाना। तो कबीर इस दोहे में कहते हैं कि सज्जन पुरुष, सज्जन मतलब क्या होता है, महान पुरुष, अच्छा मनुष्य। अच्छा मनुष्य सोने की तरह होता है, स्वर्ण की तरह होता है। स्वर्ण यहाँ पर तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है सोने से अच्छे मनुष्य को। स्वर्ण, स्वर्ण बहुत मूल्यवान वस्तु है, वो टूट जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं। उस वस्तु को हम फेंक देते हैं नहीं, हम उसको क्या करते हैं, वो संभाल कर रख लेते हैं। सज्जन सोने की तरह होता है, जो 100 बार टूटने पर भी हम उसको जोड़ लेते हैं। अगर कोई सज्जन मनुष्य हमसे दूर चले जाए या छोटी बात में उससे कुछ अनबन हो जाए तो भी उसे हमें मना लेना चाहिए। और दुष्ट मनुष्य, जो दुर्जन मनुष्य होते हैं, वो कुम्हार के मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, जो जरा सा धक्का लगते ही टूट जाता है। अर्थात सज्जन सबको साथ लेकर चलता है। सज्जन मनुष्य क्या करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे मुश्किलों में साथ देते हैं। जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं, हमारा बुरा वक्त हो या कौन सा भी वक्त हो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जो दुर्जन बुरे व्यक्ति होते हैं, हमारे से छोटी सी भी अनबन हो जाए, हमारे रिश्ते बिगड़ जाए तो हमारा साथ तोड़ देते हैं। वो मिट्टी की कच्चे घड़े के समान होते हैं और सज्जन मनुष्य स्वर्ण के समान होते हैं। तो सबके साथ अच्छे संबंध जोड़ने का संदेश कवि इस दोहे के द्वारा दे रहे हैं। अब अगला दोहा हम समझ लेते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डारी दे, दया करे सब कोई। शब्दार्थ है, जग में, इस दुनिया में, संसार में बैरी शत्रु, शीतल सुकून या ठंडा, आपा अहंकार, डारी छोड़ देना त्याग देना, सब कोई सभी कोई। जग में इस संसार में, कवि कहते हैं कि इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है। कब नहीं है, जब हमारे अहंकार को हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। हम कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा, हम सभी से अच्छा रिश्ता बनाकर रख सकते हैं। हमारा अहंकार हम त्याग देंगे, सभी के प्रति दया का भाव रखेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही सभी लोग संसार में हमारे मित्र बन जाएंगे, शत्रुता रहेगी नहीं। शत्रुता कब आती है, जब हमारे अंदर अहंकार होता है, हम किसी का अपमान करते हैं, किसी पर दया भाव नहीं रखते हैं, वहीं पर शत्रुता प्रारंभ होती है, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं रहेगी, दया की भावना रहेगी, तो पूरी दुनिया हमारे मित्र बन जाएंगे, हमारे अपने बन जाएंगे और दुश्मनी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो अहंकार को छोड़कर सबके साथ अच्छे संबंध रखने का यहाँ पर संदेश कवि ने दिया है। अब अगला दोहा हम समझ लेते। कबीर गर्व ना कीजिए, काल गहे करके, ना जानो कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। गर्व, घमंड करना, अहंकार करना, ईगो रखना। काल, मृत्यु, समय, गहे, पकड़े, कर मतलब हाथ, केस, बाल, केस, ना जाने, मालूम नहीं कहां पर, कित, कहां, मारी, मारना। ये सारे शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दार्थ। अब हम दोहे का भाव जान लेते। कबीर कहते हैं हमें घमंड, गर्व, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से क्या होता है, हमारा जीवन बहुत दुखी भी हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है। जीवन बहुत छोटा है, जीवन कैसा है, क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। कब हमारी मृत्यु आएगी नहीं मालूम, हमें पता है हम कितने साल जिएंगे, 1 साल, 2 साल, या अगला पल क्या होगा, कल क्या होगा नहीं पता, अगले क्षण हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। मृत्यु कभी भी आ सकती है, घर में भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है। तो मनुष्य को कैसा रहना है, सभी के साथ अच्छा मिलजुल कर रहना है, घमंड का त्याग करना है। ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत अमूल्य है, बहुत अच्छा है, इसको लड़ाई झगड़े में किसी से दुश्मनी रखकर नहीं बिताना है। मृत्यु कैसे भी मृत्यु आएगी, हमारा जीवन नश्वर है, उसका नाश होगा। तो इस दोहे में कवि हमें क्या संदेश देते हैं, अहंकार का, घमंड का, गर्व का त्याग करना चाहिए, उसको छोड़कर अच्छे संबंधों की हमें अहमियत जानना चाहिए, उसकी अच्छाई पर हमें चलना चाहिए। अब हम अंतिम दोहा समझ लेते हैं। रात गवाई सोए करी, दिवस गवाए खाए,
हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। गवाई, व्यर्थ कर देना, खो देना, नष्ट कर देना। सोई करी, सोकर अज्ञानता में, दिवस दिन। हाय, खाना पीना भौतिक सुख में जीवन व्यतीत करना। हीरा मूल्यवान वस्तु, जन्म जन्म जीवन, अमूल अमूल्य, कोड़ी बहुत कम मूल्य, मूल्यहीन वस्तु। बदले जाए, अदल बदल करना या विनिमय करना। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है, अनमोल है, अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला है। इसके लिए हमें क्या करना है, खाली खाना सोना नहीं, एक लक्ष्य निर्धारित करना है। उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है, अनमोल है, मूल्यवान है, इसे हमें भौतिक सुखों में व्यतीत नहीं करना है, इसको व्यर्थ नहीं करना है, एक लक्ष्य का निर्धारित करते हुए सतमार्ग पर चलना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इस तो ये जीवन जो मिला है बहुत ही मूल्यवान है, इसको व्यर्थ मत गवाइए। खा पी कर सोना और जागना, खाना बस ये नहीं, हमें कुछ अच्छे कार्य करने हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और जब परिवार सुखी रहेगा तो समाज अच्छा निर्मित होगा, और जब समाज अच्छा होगा तो देश उन्नति करेगा। तो ये जीवन, इसको कोड़ियों में मूल्यहीन मत बनाइए, इसको मूल्यवान रहने दीजिए। इस जीवन को कुछ अच्छे कार्य के लिए लगाइए। तो मनुष्य को भौतिक जीवन में व्यस्त ना रहकर आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेना चाहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की बात कबीर ने इस दोहे में कही है। अब हम अभ्यास जान लेते हैं। 8 दोहों का हम ये भाव समझा। अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। सतगुरु के विषय में कबीर के क्या विचार है? गुरु के बारे में कबीर के विचार इस तरह से है। कबीर कहते हैं कि गुरु की महिमा बहुत ही अपरंपार है और हमें ज्ञान का मार्ग बताने वाले ही सतगुरु होते हैं और भगवान का दर्शन कराने वाले, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाने वाले गुरु की महिमा के बारे में बताया गया। कबीरदास का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। कबीरदास भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनकी भाषा सदुकड़ी कहलाती है। इनकी एकमात्र रचना बीजक है और इनके दोहों में गुरु भक्ति, अहिंसा, आडंबर ना करना, जाति धर्म के नाम पर ना लड़ना, अहंकार ना करना, घमंड से जीवन व्यतीत नहीं करना, क्रोध को त्यागना आदि इनके दोहों में देख सकते हैं। अब एक अंग के प्रश्न देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर की एकमात्र प्रामाणिक रचना का नाम क्या है? बीजक। कबीर ने दुर्जन की तुलना किससे की है? बुरे व्यक्तियों की तुलना किससे की है? कुंभ मिट्टी के घड़े से। कबीर के अनुसार जहाँ दया होती है वहाँ क्या होता है? धर्म होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को कबीर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। చరువులమ్మా నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువు అదే అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు.